देखिए ये लाइन मेरे लिए तो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि मैं हर एक काम ईमानदारी से करता हूँ। एटलीस्ट अपना एक्टिंग का काम तो बहुत ईमानदारी से करता हूँ, स्पोर्ट्स भी बहुत ईमानदारी से करता हूँ। इसका मतलब ये है, तुम जो भी काम करो उसको तुम विद इन, उस हर एक काम के रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसके विद इन करना चाहिए। इसका मतलब लाइन का ये है, गलत काम भी कर रहे थे यार ईमानदारी से करो, अपने उसमें भी कमला। तो फिल्म में क्या है कि अफजाल मेरे पास काफ़ी साल पहले एक स्क्रीन लेकर आया था, जो कि बहुत ही हास्य रस से भरी हुई मजाकिया फिल्म थी। तो मैंने उसी वक्त उसको ईयर मार्क कर लिया था कि भैया इस डायरेक्टर के साथ तो मैं काम करने वाला हूँ। फिर वो मेरे पास लेके आया लाल रंग, तो मैंने ये क्या बोला आप पढ़ लीजिए। तो मैंने फटाफट वो स्क्रिप्ट पढ़ी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये खून की तस्करी। हमारी मानसिकता ऐसी होती है कि देखिए खून सबको लगता है, आप कभी ना कभी बीमार होते हो, किसी भी एज में होते हो, हर एक इंसान को कभी ना कभी खून की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ब्लड बैंक से मिलता है। तो हमारी मानसिकता क्या है हिंदुस्तानियों की, हमें लगता है कि हम अगर ब्लड डोनेट करेंगे या ब्लड देंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, किसी की नसबंदी हुई है तो नहीं दे सकते ब्लड, कोई परफॉर्मेंस को कमज़ोर हो जाएगा, हर तरह के कुछ रिलीजियस ऐसे मिथ है कि खून नहीं देना चाहिए। और ब्लड बैंक का ये रूल होता है कि अगर आप खून ले रहे हैं तो आपको वो खून से रिप्लेस करना पड़ता है, आप पैसे दे के नहीं ले सकते। और चूँकि हमारी मानसिकता ऐसी है, हम लोग हिंदुस्तानी क्या पैसे दे के खून खरीद लेते हैं। उस टाइम पे ये सारे लोग यहाँ, ये जो ब्लड ये डाउट्स होते हैं, ये जो खून की तस्करी खून का इलीगल धंधा करते हैं, ये लोग पिक्चर में आते हैं। यहाँ से हम, ये हमारी पिक्चर का बैकड्रॉप है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जैसे असली में ये कांड हुआ था, ये सच्चाई सच के ऊपर बेस कहानी है, 2002 में करनाल में सच्ची में ये हुआ था और पूरे हिंदुस्तान में होता है आज भी, कि ये आपको ब्लड की एक यूनिट 5000 रुपये में बेच देंगे और फिर किसी गरीब आदमी को, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, ठेले वाला, या कोई जिसके पास खाने को नहीं है, वो महीने में एक बारी खून दे के बिरयानी खाता है, या फिर कोई एक गांव है महाराष्ट्र में जहाँ सूखा पड़ा है, वो लोग पूरा गांव खून बेच बेच के काम चला रहा, तो किसको बेच रहे हो, खून तो अलाउड ही नहीं है बेचना। तो उनको 500 रुपये दे के, ग्लूकोज का एक पैकेट दे के, वो लोग खून रिप्लेस कर देते हैं। किसका खून कहाँ जा रहा है, मेरे ख्याल से ये सबसे घिनौना, इंसानियत में पूरी दुनिया में सबसे घिनौना अपराध है ये खून की तस्करी। तो इसके ऊपर ये बैकड्रॉप पे कहानी है, पर क्योंकि अफजाल का हास्य रस इतना बढ़िया है, ये एक्चुअली बहुत ही फनी स्टोरी है, ये दोस्ती की कहानी है, प्यार की कहानी है, जो प्यार मिल जाए या जो प्यार ना मिले, बिट्रेयल, रिडेम्पशन, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। और इसके अंदर ऑब्वियसली क्योंकि फिल्म हरियाणा में बेस्ड है, और कहीं होती तो शायद इतनी मजाकिया नहीं होती, पर हरियाणवी ह्यूमर जो है, जो कि बहुत ही ऑफ हैंड ह्यूमर होता है, वो इसके पूरी फिल्म के ऊपर छाया हुआ है। इस फिल्म के अंदर खूबसूरत म्यूज़िक है, ऐसा लगता है करनाल हरियाणा में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, स्पेन में है। और इसका म्यूज़िक भी बहुत ही, एक फ्रेंच डायरेक्टर ने बनाई है, एक हरियाणवी रेगे, एक विपिन पटवा ने बनाया है, हरियाणवी रागनियों को ले लेके ऐसा बनाया है। अब अगर आप देखें पिछले कुछ सालों में तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न्स की, वो दत्तों की कैरेक्टर सबसे इंडियरिंग कैरेक्टर थी सिनेमा में, सबसे लवेबल कैरेक्टर, वो इसलिए थी क्योंकि उसका एटीट्यूड हरियाणवी था, उसकी भाषा हरियाणवी थी, वो सबको अच्छा लगता है। तो हमारी पिक्चर तो वहीं की बेस्ड है। अभी आमिर खान भी ये पिक्चर कर रहे हैं, दंगल वो भी हरियाणा में बेस्ड है, सलमान खान भी ये पिक्चर कर रहे हैं, वो सुल्तान वो भी हरियाणा में बेस्ड है, कर गई चुल वुल ये कितने गाने आते हैं, आंटी पुलिस बुला लेगी, ये वो सब हरियाणा से बेस्ड है। तो वो मेरे ख्याल से बहुत ही एक ये इंटरेस्टिंग पिक्चर है, जिसमें सब कुछ खून वून ये सब होने के बावजूद एक काफ़ी अच्छा ह्यूमर और क्राइम भी है, ह्यूमर भी है, दोस्ती भी है, प्यार भी है, और गाने भी बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत पिक्चर है। एफर्ट्स लगाए हरियाणवी सीखने में? देखो मैं तो हूँ ही वहाँ का, तो मेरे को हरियाणवी सीखने में एफर्ट नहीं हुआ था, पर क्योंकि मैंने पंजाबी, मराठी, फ्रेंच, इंग्लिश ये वो इतनी बोली इतने सालों से, और हरियाणा में इतने सालों से नहीं रह रहा, तो मुझे पहले शॉट के बाद लगा था यार मेहनत करनी पड़ेगी, मैंने सोचा हो जाएगा, पर वो निकल के नहीं आ रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने अपने गांव वाँव में इधर उधर बचपन की यादें, कॉलेज में मैं कैसा था, तो उस तरह का, मैं कॉलेज में काफ़ी इस कैरेक्टर के जैसा था, तो वो सब रिकॉल करके मैंने ये किया। मेरे ख्याल से मेरी लाइफ का सबसे फ्लैम्बॉयंट कैरेक्टर है दबंग है, और सब यू नो मस्त मौला किस्म का आदमी है, सारे गलत काम करता है पर करता प्यार के लिए, करता ईमानदारी से, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है।
तो बहुत ही अच्छी फिल्म है, इसमें बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, अक्षय उपरॉय, पिया वाजपेयी, मीनाक्षी दीक्षित, रजनीश दुग्गल, और बहुत छोटे छोटे किरदारों में बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं। बहुत ही मतलब ऐसी फिल्म आपने देखी नहीं होगी, सभी लोग सभी एक्टर यही बात बोलते हैं। चलो मैं भी बोल देता हूँ, हाउ डू यू रिलेट टू दिस थिंग, एज यू सेड लाइक बहुत फ्लैमबॉयंट है एक्चुअली, यू नो लाइक बहुत दिलदार है, तो आपने देखिए मैं मेरे अंदर इतने कैरेक्टर घुस गए हैं अभी मुझे खुद नहीं पता मैं कौन हूँ तो ये भी एक पहलू है जो निकाल के लाना चाहिए, कभी कभी निकलता है, दो चार ड्रिंक के बाद ज़्यादा निकलता है। बट हमारे अंदर ये भी है, जैसे अगर आप देखो पिछली फिल्म मेरी, मैं और चार्ज रिलीज हुई थी, वो बहुत ही सटल है, तो था वो भी क्रिमिनल पर बहुत ही सटल फ्रेंच वो ऐसे करके बात करता था, तो वो भी है हमारे अंदर, ये भी है हमारे अंदर। You always like to, you know, work on your look, मेरी कोशिश कुछ रहती है कि मैं अपने आप को ढालूं रोज में, पर वो सिर्फ हेयर कलर चेंज करना और मुंह चुगाना और कपड़े अलग डिज़ाइनर के पहनने से थोड़ा सा ज़्यादा काम करता हूं मैं, पर हर एक का अपना अपना अप्रोच होता है, ये मेरा अप्रोच है। मैं इसलिए करता हूं क्योंकि ये मुझे इंटरेस्टिंग लगता है यार, तो बोर हो जाए आदमी खुद से तो ऑडियंस तो बोर हो ही जाएगी। आजकल रोल के लिए मतलब हीरो इस हद तक जाते हैं कि अगर उनको जैसे आपने अपने सरजीत के लिए मतलब यू हैव टू रिड्यूस एंड यू नो मतलब अपने बॉडी पर लॉट्स ऑफ वर्क जाते हैं डू एक्चुअली, तो व्हाट हैव यू टू से अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। देखिए मैं इसलिए करता हूँ, किसी को ज़रूरी नहीं है करना, मैं इसके बगैर भी कर सकता था, पर चूंकि वो डिमांड थी डायरेक्टर से और मेरी बात हुई थी तो मैंने किया। ये बिल्कुल अनहेल्दी चीज़ है, इसको आपको घर पर नहीं करना चाहिए। आपका जो भी बॉडी वेट है भगवान ने आपको ये बॉडी दी है, आप उससे खुश रहिए, आप हेल्दी रहिए, वो सिक्स पैक और ये और वो उसके चक्कर में मत फंसिए। सभी सबको भगवान ने बहुत खूबसूरत बनाया है। मैं तो ये कहूँगा कि ये वेट लॉस मेरा, इससे बहुत दिमाग में चकचक होती है, डिप्रेशन हो जाता है, ये बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कोई भी काम करना है उसमें ईमानदारी ज़रूरी है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, इस बात से आप कितना वाकिफ हैं? कोई भी काम आप करो आपको उस काम की तरफ सच्चाई से पेश आना चाहिए। मैं तो बहुत सच्चाई से पेश आता हूँ, आप बताओ। पोस्टर में काफी याराना देखने को मिलता है, इसके बारे में क्या कहना? हाँ बिल्कुल, जय वीरू टाइप की जोड़ी है, पर हालांकि गुरु शिष्य का रिलेशनशिप है, बाद में दोस्ती में बन जाता है, पर बहुत ही जय वीरू टाइप का इसके अंदर वो है दोनों को, वो मुझे आइडियलाइज करता है और मैं उसको दिखाता हूँ कि क्यों आइडियलाइज करना चाहिए। अरे वो कमी नहीं है। देखिए पिक्चर में ये सब है, रियल लाइफ में वो जितना जमीन के ऊपर है ना उतना जमीन के नीचे भी है, मेरे को बाद में पता चला, मेरे को लगा भोला भाला था, वो भी मेरे कैरेक्टर का काम कर रहा था ना। नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, कुछ अच्छी चीज भी सीखी हूँ होपफुली। यदि कोई हरियाणवी को डायरेक्ट करना चाहिए, कहना चाहिए, अक्षय मुझे बोलता है पिक्चर में, भाई एक आइडिया है, बुरा तो नहीं मानने का, खसम आइडिया भी तो बुरा उसका है। सो दैट काइंड ऑफ ह्यूमर इज देयर इन द फिल्म, प्लीज गो एंजॉय द फिल्म। ये 22 अप्रैल को रिलीज हो रही है आपके निकट निकटतीय थिएटर में, आप जाके इसको एंजॉय कीजिए। एनी वन लास्ट थिंग, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, लोग एक्चुअली आपस में दोस्तों के ही ट्वीट करते हैं और उसने किया देख के कि पिक्चर अपने आप में ही इंटरेस्टिंग है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उसका, ऐसे लोग इस इंडस्ट्री में कम है, सबको ऐसा करना चाहिए। मैसेज ये है कि हर एक इंसान को ब्लड की जरूरत पड़ती है, प्लीज़ ब्लड खरीदिए मत, उसको रिप्लेस कर दीजिए, अगर नहीं तो ये धंधा चालू रहेगा और इससे बहुत बड़ा घपला हो सकता है, सबसे गंदा अपराध है खून की तस्करी। ओके थैंक यू।